खाली इतना बता देना एक्सरसाइज कौन है। 3.2 नहीं, या तो 3.2 या तो फिर 3.2। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बता दिए थे? 14 तक बतवल है। 14 तीनों ठीक। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 15 पहले लिख लेना जो बोले। आज कई तारीख है, इसे कैसे निकाले थे? लिखो जो क्वेश्चन बोलेंगे उसको पहले लिखो, जो बोलेंगे उसको लिखिए सुनकर। निम्नलिखित बहुपद युग्मों में, निम्नलिखित बहुपद युग्मों में, निम्नलिखित बहुपद युग्मों में, निम्नलिखित बहुपद युग्मों में, निम्नलिखित बहुपद युग्मों में गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात करें कि गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात करें कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। लिखा था फिर से एक बार मिला लेना, बोलो क्या लिखे। मतलब मेनली चेक करना है ना कि हम जो देंगे बहुपदों का युग्म उसमें जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। जैसे पहले हिसाब खाली बस एक गो पहला नंबर में है पी एक्स बराबर एक ही हिसाब एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 12 और जी एक्स बराबर एक्स माइनस 3। लिखो लिखो या फिर जो पहले से बने ले वो अपना बताएगा कि गुणनखंड है या नहीं। ठीक है गुणनखंड है क्योंकि शेषफल कितना आया। जैसे 3 3³ कितना होता है, 7 3³ 7 3³ 300 7 3³ 343 8 3³ 8 3³ 516 होगा 8 3³ 512। बैठो बैठो, फिलहाल यहाँ बताना है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं। लिखो लिखो, हम नहीं लिख रहे हैं अभी जितना लिखना है लिखो। हम कहते हैं जब हम लिखना शुरू करें तब बंद कर देंगे, अभी लिखते रहो, अभी जितना लिखना है लिखो क्योंकि हम नहीं लिख रहे हैं। चेक कौची करना है जी एक्स वाला ने, अब भले ही देख लो जी एक्स जी एक्स ये वाला जी एक्स इधर ध्यान देना जी एक्स कितना है एक्स माइनस 3। पी एक्स मतलब इतना के गुणनखंड है या नहीं, मेन तो वही चेक करना एक्स माइनस 3। तो एक्स माइनस 3 बराबर 0 तो बोलो एक्स बराबर कितना, यानी जहाँ जहाँ एक्स है
वहाँ वहाँ तीन बैठाएंगे, लेकिन बैठाएंगे कहाँ, उधर पी आई एक्स के जगह पे तीन, यहाँ पर एक्स क्यूब मतलब तीन के क्यूब माइनस में तीन गुने तीन के स्क्वायर प्लस चार गुने तीन माइनस में बारह, तीन के क्यूब मतलब तीन 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 बार गुना करना है तो तीन दिया नौ दिया सत्ताईस। हाँ ये भी तो सत्ताईस है क्योंकि तीन के स्क्वायर हो गया नौ और तीन उसके पहले था सत्ताईस और प्लस में बारह माइनस में बारह थे, यहाँ माइनस बारह है यहाँ प्लस बारह, माइनस सत्ताईस प्लस सत्ताईस दोनों कट गया, कट के कितना आ गया जीरो। ये जीरो क्या है, शेषफल। अगर शेषफल जीरो है तो हम कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, और अगर शेषफल जीरो नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन देखो, जो नहीं बने लो छाप लो, जो बना लिया दूसरा क्वेश्चन देखो। पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस 175 नंबर है, 175 पी एक्स बराबर है, जी एक्स बराबर लिखो एक्स प्लस फाइव, जी एक्स बराबर एक्स प्लस फाइव जी एक्स बराबर एक्स प्लस फाइव डायरेक्ट नहीं लिखो, एक्स प्लस फाइव बराबर पहले जीरो फिर उसके बाद एक्स बराबर माइनस फाइव तब बैठा। पी एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस 175 पी एक्स बराबर जी एक्स बराबर कितना एक्स प्लस फाइव। हाँ मेन तो यही चेक करना है, मेन यही चेक करना है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं, मतलब जी एक्स मतलब एक्स प्लस फाइव, मेनली वही चेक करना है कि x प्लस फाइव जो है वो इसका गुणनखंड है या नहीं। तो जिसके बारे में चेक करना है ना, क्या लिखें यहाँ फर्स्ट लाइन अगर बोले कि जब कोची लिखें कुछ भी बोलो क्या लिखें, हाँ जिससे भागा देना है ना उसी को मान लेंगे कितना बराबर। हाँ तो अब समझ में आता है तुम लोग कि x बराबर कोची लिखेंगे माइनस में फाइव, यानी जहाँ जहाँ एक्स नज़र आएगा वहाँ वहाँ पाँच ऐसे ही करके बैठाना है, माइनस पाँच माइनस से पाँच ने बैठा है पी और एक्स मतलब कितना, एक्स क्यूब मतलब माइनस पाँच के क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर मतलब माइनस पाँच के स्क्वायर और प्लस तीन गुने एक्स एक्स माने माइनस पाँच। चलो ब्रैकेट में घेर दिए, ब्रैकेट में इसलिए घेर देते हैं ना क्योंकि
माइनस में, इसीलिए। अब प्लस में कितना, 175। यहाँ ऐसे भी माइनस 5 के क्यूब, तो सोचो ना कि माइनस क्यूब है, पावर 3 है, तो माइनस तो खैर खत्म होगा ना। अब 5 के क्यूब कितना, 125 प्लस, हाँ 5 के स्क्वायर 25। अब माइनस नहीं रहेगा, पावर अगर जोड़ा में रहे 2, 4, 6, 8, 10 तो माइनस नहीं बचेगा, आई हो जाएगा माइनस में 15। माइनस समझ में आया कैसे लिखें? अब प्लस में 175, देखो जहाँ जहाँ प्लस हो जोड़ दो, जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, दोनों जोड़ के आप बोलो कितना, 200। अब कहेंगे जहाँ जहाँ माइनस है, ये वाला माइनस में है और ये वाला माइनस में, ये दोनों जोड़ दो, आ जोड़ के कितना आ जाएगा, माइनस में 140, यही ना, 200 में से 140 घटा दो 60। ये 60 क्या है, इसका मतलब है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि है तो तब ने बोलते हैं, जब शेषफल कितना आता, यहाँ 60 है तो गुणनखंड नहीं है। अगला नेक्स्ट, पी एक्स बराबर, पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 4x² माइनस 5x माइनस 10। जी एक्स बराबर पी एक्स, फिर से एक बार मिला बोलो क्या लिखो, 2x³ प्लस 4x² माइनस 5x माइनस 10। और जी एक्स बराबर लिखो एक्स प्लस 2, जी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 जी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 बना, हम नहीं लिख रहे हैं अभी, जब तक नहीं लिख रहे हैं तब तक बनाइए। कितना है शेषफल, 0, मतलब गुणनखंड है। चलिए काहे मिटाएं, इधर लिख लेते हैं, इतना जगह काफ़ी है ना। बोलो पी एक्स बराबर कितना, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पी एक्स बराबर है 2x³ 4x² माइनस 5x माइनस 10। पी एक्स बराबर है, जी एक्स बराबर बोलो एक्स प्लस 2, उसी से तो भागा देना, ये जी एक्स प्लस 2 है इसी से भागा देना। चेक यही करना, यहाँ यहाँ देखना, चेक यही करना कि एक्स प्लस 2 जो है ना गुणनखंड है या नहीं। क्या लिखें, एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो बताओ एक्स बराबर कितना, माइनस 2, यानी पी और एक्स की जगह पे माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 2 × x³ मतलब माइनस 2 के क्यूब, और प्लस में 4 × −2 के² और माइनस 5 × −2 के, ऐसे ब्रैकेट में घेर के
और माइनस में 10, ये दो तो दो हो गया। यहाँ ध्यान से समझना कि माइनस दो के क्यूब कितना होगा, दो दूनी चार, दूनी आठ, आठ। लेकिन 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 माइनस में तो ये तो आठ है और माइनस में है, इसलिए इसमें गुना होगा तो माइनस ए में हो जाएगा 16। माइनस दो के क्यूब आठ है लेकिन किस में है, तो आठ दूनी 16। यहाँ देखो माइनस दो के स्क्वायर माइनस में कि प्लस में, स्क्वायर है तो जाहिर से बात है कि माइनस तो खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया चार चके 16। और यहाँ भी ध्यान से देखो तो यहाँ माइनस दोनों मिलके क्या हो गया प्लस, पाँच दूनी 10 और उधर माइनस 10, माइनस 10 प्लस 10 खत्म, 16 प्लस में 16 माइनस में खत्म, कट के कितना आ गया, जब लास्ट में जीरो निकलता है कहेंगे कि इसका ही मतलब हो गया कि अगर हम x प्लस टू से इसमें भागा देते हैं शेषफल कितना आया। तो ऐसा सिचुएशन में अगर शेषफल जीरो है ही है तो बोलो कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, क्योंकि गुणनखंड नहीं है ऐसा तब बोलते हैं जब शेषफल जीरो है। जब शेषफल जीरो, अगला नंबर क्वेश्चन लिखो, जो रस नहीं बना है वो अभी भी लिख सकते हो। चौथा नंबर पी एक्स बराबर टू रूट टू एक्स स्क्वायर, पी एक्स बराबर दो रूट दो एक्स स्क्वायर, टू रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, फाइव एक्स प्लस रूट टू, और जी एक्स बराबर एक्स प्लस रूट टू, एक्स प्लस रूट टू, मतलब भागा देना किससे, एक्स प्लस रूट टू से। और यथासंभव सुन के लिखना है, पहले से तैयार है लिखो के, देख के नहीं लिखना है। बोलो चौथा नंबर में पी एक्स बराबर दो रूट दो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस रूट अंडर दो, और जी एक्स बराबर यही बोल दो एक्स प्लस टू रूट टू, भागा देना किससे, किसमें देना, किसमें देना, मतलब पी एक्स मतलब दो रूट दो एक्स स्क्वायर। तू छाप कौची रहा तुम्हें, पहले से बने ले है, बहुत तेज है, अच्छा है, समझे ध्यान दो, पहले से बने लेते, पहले से बने ले तो लिख कौची रहा और एक्स्ट्रा बना रहा आगे, मतलब अच्छे सर के रिकॉर्ड तोड़ना नहीं रे, हम तो आपसे भी आ गए, आप हमारे सामने क्या है। देखो हमको सबके लेके चलना होता है, सबको समझाना होता है, उसके हिसाब से नहीं हम चलेंगे, उसी से भागा देना है किससे, एक्स प्लस रूट अंडर टू से, और एक्स प्लस रूट अंडर टू बराबर जीरो, तो एक्स बराबर बोलो माइनस रूट टू, यानी जहाँ जहाँ एक्स है, लेकिन किस में रखेंगे, पी एक्स में या जी एक्स में, पी एक्स में, क्योंकि जी एक्स से तो भागा देना है, तो इसमें रखो पी और एक्स मतलब कितना, माइनस में रूट अंडर दो बराबर दो रूट दो और गुने एक्स, मतलब कह सकते हैं माइनस में रूट अंडर दो के स्क्वायर और प्लस पाँच गुने माइनस में रूट अंडर दो, माइनस में है इसलिए इसको ब्रैकेट में करके लिखा, प्लस में रूट अंडर दो जैसे है वैसे रह गया, सही है। इधर ध्यान देना दो रूट दो है, यहाँ समझना दो रूट दो, उसके बाद अगर ये वाला हम सोचे भी कि रूट दो है
और रूट दो के स्क्वायर करेंगे तो जानते हैं कि रूट से स्क्वायर कैंसिल। हाँ तो समझ लो ना कि यहाँ जो रूट है वहाँ जो स्क्वायर है रूट से स्क्वायर, यहाँ रूट है वहाँ स्क्वायर है कैंसिल, अब बच गया सिर्फ कितना दो, माइनस तो नहीं है बचेगा, कितना बार बोलते रहते हैं माइनस माइनस नहीं बचेगा, काहे 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 प्लस हो गया, क्योंकि पावर क्या है दो, पावर दो रहे चार रहे छः रहे तो माइनस नहीं बचेगा तो प्लस हो गया। आई वाला माइनस में ये दोनों गुना कर दो, पाँच रूट अंडर दो, और उधर जैसे है ना रूट अंडर दो वैसी रहे दो, यहाँ समझना है दो दूनी चार, चार गो रूट दो आई हो गया पाँच गो रूट दो, और प्लस में हो गया रूट दो। अच्छा यहाँ नए कुछ इसका मतलब एक आगे एक लिखल है, तो यहाँ चार गो रूट दो, यहाँ एक गो रूट दो, दोनों मिलाकर कई गो रूट दो, पाँच गो रूट दो, और ये तो घटाव में है पाँच गो रूट दो, तो ये हो गया माइनस में ये हो गया प्लस में, दोनों कट के कितना हो गया जीरो जो है वो शेषफल है, मतलब हम कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। अब इतना बतवे के बाद इसमें से कोई भी एक को गुने होगा जिसको ये नए समझ में आया होगा, फिर भी एक दो को नमूना है जो छापते रहता है छापते रहते वो छोड़ के अपवाद में एक दो को छोड़ के बाकी सबके समझ में आ गया होगा बना दोने से। अब जैसे ही छाप रहे थे इसका कारण ये है कि तीन चार दिन कहीं कहीं गेल थे, पता नहीं कहाँ जाए कहाँ गए रहने बाबू जहाँ गए थे उन्हें पीछे वो छाप रहा होगा, बना लेता है नहीं नहीं थोड़ा कुछ नहीं समझ में आया, रूट तो बहुत दूर की बात है रे। अरे अरे काहे हमसे झूठ बोलता है, पढ़ा रहे ना, पढ़ाने वाला फील्ड में 24 साल से हम हैं, भले 24 साल पहले जो पढ़ाते थे वो पहला दूसरा तीसरा चौथा पढ़ाते थे, लेकिन 24 साल से फील्ड में हम 24 साल से इस फील्ड में हैं, मतलब बहुत कम उम्र से हम इसमें हैं। हमारी छोटी बहन थी तब से हम पढ़ाना शुरू कर दिए, अगल बगल में दो तीन को था गोदिया नैया जो कहते हैं ओकरा पढ़ाना शुरू कर, बहुत छोटा उम्र से 24 साल, चलो ज़्यादा हो गया वो हिसाब से ऐसे टाइम पास करते थे, एग्जैक्ट 22 साल तो हो गया 2002 से, तो इसमें हम पक्का हिल गया था क्योंकि बचपने से पढ़वे के हमारा शौक था। अब तो हमसे झूठ बोलता है कि बन जाता, हम समझ रहे हैं जरा रूट दो समझ में नहीं आया और अब बिना रूट वाला समझ में आ जाएगा। अगला नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये बंद क्यों क्यों लेता है, तो सामने ध्यान गया था मैं हो जाता है। 16 ने लिखो झूठ बोलता है, अरे नहीं समझ में आया तो बोलो कि नहीं समझ में आया, समझा देंगे हम। अरे छोड़ो इतना दिन से तो बता रहे हैं, तू सबसे बन जाता है ना, उससे बन जाता है, इजा भेजें बोर्ड पर, इजा बुलाएं नहीं, अच्छा खाली चोरी छुपे घरे में बन जाएगा ना, तू सबसे यहाँ बन जाएगा। अरे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे चाहे जहाँ रहे चाहे कहाँ रहे चाहे तहाँ कहीं भी अगर बन जाएगा तो बन जाएगा, यहाँ नहीं बनेगा वहाँ बन जाएगा। लिखो 16 नंबर, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके दिखाए कि, तो सच बोलो अगर नहीं समझ में आता है तो बोलो हम समझाएंगे। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके दिखाए कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके दिखाए कि एक्स माइनस दो, एक्स माइनस टू, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 8, एक्स क्यूब माइनस छः एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 8 का एक गुणनखंड,
सिखाया ना है तो देख के लिख लो ये सब में। देखो किताब खोल के देख के लिख ले, तू भी देख के लिख लो, तू सब के लिखा गया, सुन के अगर लिख ले तो बहुत अच्छा है, तो एकदम कहते हैं कि बेस्ट है वो। फिर से एक बार बोलते हैं, एक्स माइनस टू लिखा कॉमा दे देना, एक्स क्यूब माइनस छः एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स माइनस आठ का एक गुणनखंड है, चेक कीजिए। देखो जैसे सबके बचपन में शौक रहता है कि हम आईएएस बनेंगे आईपीएस बनेंगे, पता नहीं हमारा की खुमार था ना, हमारा बचपने से लगता था कि हम पढ़ाएंगे मन से पढ़ाएंगे, सरकारी टीचर बनेंगे ही नहीं सोचे थे, लेकिन पढ़ाएंगे मन से ये सोच नहीं है। बना 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 बना, बाकी बात बाद में, इतना यूट्यूब के सामने क्या बोलूँ, बना बन गया पहले से बना बना के रेडी है ला। सब क्या आ गया, शेषफल कितना जीरो, मतलब गुणनखंड है, अगर शेषफल जीरो नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। आया शेषफल कितना जीरो, सोलह नंबर में किस से चेक करना है, एक्स माइनस टू से, और किसके बारे में मतलब किस में भागा देना, एक्स क्यूब माइनस छः एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स माइनस आठ का गुणनखंड है या नहीं है, तो कितना बराबर जीरो, एक्स माइनस दो है ना, यही लिखना है, एक्स माइनस दो बराबर, तो एक्स बराबर दो, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ दो बैठाना शुरू कर दो, किसमें किसमें इसमें, मतलब रखो दो के क्यूब माइनस छः गुने एक्स स्क्वायर, मतलब दो के स्क्वायर प्लस बारह गुने दो माइनस आठ, देखते हैं दो के क्यूब कितना आठ माइनस, हाँ ऐसे तो दो के स्क्वायर चार होगा और छः है, अगर गुना कर देंगे तो चौबीस, और प्लस में चौबीस, यहाँ माइनस आठ, यहाँ माइनस आठ, इधर प्लस आठ कट गया, यहाँ माइनस चौबीस, यहाँ प्लस चौबीस कट गया, कितना आया जीरो, यानी हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस दो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स माइनस आठ का हाँ एक गुणनखंड, एक नहीं लिखे हैं तो भी समझ जाना है कि हाँ गुणनखंड है। अगला नंबर सत्रह, गुणनखंड प्रमेय द्वारा साबित करें कि, देखो फिर कहते हैं पूरा कोशिश करो कि सुन कर लिखे, नहीं छूट जाए पीछे हो जाओ तो देख के लिख लो किताब से। गुणनखंड प्रमेय द्वारा आइए साबित करें कि, गुणनखंड प्रमेय द्वारा लिख लो, गुणनखंड प्रमेय द्वारा साबित करें कि एक्स क्यूब माइनस छः एक्स गलत है माइनस सिक्स एक्स नहीं होगा, ये नहीं नहीं माइनस तो ही है, माइनस है ही है, लेकिन छः एक्स नहीं होगा, किताब में स्क्वायर होगा, किताब में स्क्वायर है, देखो मतलब सुधारल है, हाँ स्क्वायर होगा, लिखो तो एक्स क्यूब माइनस छः एक्स स्क्वायर प्लस ग्यारह एक्स माइनस सिक्स, नहीं सुनाई दिया लगता है, एक्स क्यूब माइनस
सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स कॉमा एक्स माइनस वन से विभाज्य है, एक्स माइनस वन से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, एक्स माइनस वन से, भागा देके देखिए एक्स माइनस वन से भागा देखे देखो, भागा भी काल देना, एक्स माइनस वन बराबर जीरो, अगर शेषफल जीरो आ गया तो बोलेंगे विभाज्य है, और अगर शेषफल जीरो नहीं आया तो विभाज्य नहीं है, तो कितना बराबर जीरो मानना, एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो जहाँ जहाँ एक्स है एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक, कितना आएगा घटा बटा के जीरो, जीरो आना कंपलसरी है, जीरो आना कंपलसरी है, काहे क्योंकि खुद कह रहा है साबित करके दिखाएं, वो खुद बोल रहा है साबित करके दिखाएं, अरे वो खुद कह रहा है कि साबित करके दिखाएं, क्या एक्स क्यू माइनस माइनस फलना ढकना चकना जो भी है वो फलना से विभाज्य है, फलना से विभाज्य मतलब किससे विभाज्य है बोलो, एक्स माइनस वन से विभाज्य है, एक्स माइनस वन से, अरे कौन विभाज्य है ये तो बताओ, एक्स माइनस वन से विभाज्य है कौन, पहले ही तो बताइए, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस छः, एक्स माइनस वन से विभाज्य है, पूरा किताब आज ही बना देगा, अरे आगे ले रहे दो कल ले ले, कहाँ तक बना लिया, कहाँ तक बना लिया तू, कहाँ तक बना लिया, किताब तो ख़त्म कर दिया होगा तू नहीं, देखो एक्स माइनस वन से विभाज्य, जिससे विभाज्य के बारे में चेक करें वही मान लेना, कितना जीरो, तो एक्स बराबर कितना एक, यानी जहाँ जहाँ एक्स दिखाई देगा वहाँ वहाँ कितना बैठाएंगे, कहाँ बैठाएं, उन्हें थोड़ा बैठाएंगे, उधर नहीं किधर बैठाना है, हाँ यही वाला पी एक्स यही है, तो इसी में बैठाना है, एक्स क्यूब मतलब माइनस छः गुने प्लस 11 गुने एक और माइनस में, देखते हैं यहाँ एक के क्यूब एक ही हो गया, आई तो माइनस में छः प्लस 11 माइनस छः, यहाँ अगर एक के आगे चिन्ह देखें तो प्लस, और 11 के आगे भी प्लस, मतलब 11 प्लस में एक प्लस में जोड़कर कितना, तो माइनस में कितना भर 12, इसे ही कट के कितना, मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस छः एक्स माइनस वन से विभाज्य है, हो गया, ए इसको पीछे भेजो, सबसे लास्ट सामने बैठ के मुँह फाड़ते रहता है, मुँह फाड़े वाला सामने नहीं बैठेगा आज के बाद, पीछे दो कुछ नहीं, पीछे बैठो और जाके आराम से एकदम करते रहो, अभी ये कोई नहीं बोले बोला है तुमको, भोरे भोरे आता है, कितना टाइम कितना हुआ, कहीं ले जाते आके भोरे भोरे सवेरे सवेरे नहा दो क्या, आराम से नहीं नहाना है मत नहा, कोई ज़रूरी नहीं, आप ऐसे ही आते तो ऐसे ही आ जाए, कोई ज़रूरी है, अरे हम किसको देख लगे हैं कौन नहा दो के आए कौन नहीं आए, पूरा एकदम मुँह कान एकदम धो धा के एकदम पूरा फेरन लवली लगा के बोरो प्लस लगा के, और क्या है गार्नियर वार्नियर पूरा एकदम फेस वाश और कोची कोची होता है, हाँ जो भी है वो सब लगा के तो आ जाएगा, तो हमारा कैसे पता चलेगा ये आ जाएगी, अजीब है वो, तो आपका कहते हैं कि आत्मसंतुष्टि के लिए नहाया जाता है कि हाँ भाई बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है नहाने से,
हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, लेकिन लॉजिक हम नहीं जानते हैं तो हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हम किसी का कोर्स लिए हैं योगाचार्य का, हम खुद, वो कहता है यहाँ दबाइए, यहाँ यहाँ इसका इसका कनेक्शन लंग्स से है, एक्यूप्रेशर। हम इसके लिए पैसा दिए हैं, इसके लिए पैसा हमको देना पड़ता है, 5 से 7 हज़ार रुपया भरना पड़ता है। ठीक है, मतलब टाइम के एग्जैक्टली है कि 5 हज़ार रुपया देना पड़ा है, साल भर के वो कोर्स है, साल भर तक हमको ज्वाइन करना है, साल भर तक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दबाने के लिए कहेगा, यहाँ दबाने के लिए कहेगा, यहाँ दबाने के लिए कहेगा, यहाँ दबाने के लिए, यहाँ ये एक्यूप्रेशर इलाज होता है। ये क्या है बोल रहे हैं सर? देखो काहे बोल रहे हैं जो बताते हैं, पूजा पाठ में आप लोग ताली बजाते हैं, तो पूजा पाठ में ताली बजाना जो होता है, वो ताली बजाना कि भगवान के लिए ताली बजाते हैं, वो जो ताली बजाते हैं ना, तो पूरा हाथ जो दोनों टकराता है ना, तो एक्यूप्रेशर एक तरह से, जिसके लिए हम 5 हज़ार रुपया सालाना भरते हैं, वो डायरेक्ट हमर वहाँ पे इलाज होता है। इसका कनेक्शन लंग्स से है, पता नहीं किसका किसका कनेक्शन कहाँ से, लेकिन हमको जो लंग्स वाला प्रॉब्लम है, हमको यहाँ दबाता है ये सब में और ये सब में बताता है लंग्स वाला को, लंग्स में प्रॉब्लम है। तो ये एक्यूप्रेशर इलाज है, जो ताली बजाना, जो हम लोग समझते हैं पूजा पाठ में ताली बजा ले, ताली बजा लो भगवान के नाम पे, ये आपको नहीं मालूम है, ये आपको मालूम नहीं है, ये एक तरह का एक्यूप्रेशर इलाज है। पूजा पाठ में आप लोग देखते हैं वो एक तरह के सर, देखो यूट्यूब वाला बाद में स्किप कर देना, शरबत बनता है, वो क्या बोलते हैं, पंचामृत या शीतल प्रसाद, शीतल प्रसाद में देखते हो मखाना गाड़ी, अरे तुम सोच नहीं तक से जो मखाना है वो बीपी शुगर हार्ट वार्ड पता नहीं क्या क्या कंट्रोल करता है। तो उन्हीं के मालूम भी है कि अभी मखाना कैसे किलो है, हाँ इसका मालूम है, इसको मालूम है 600 रुपया किलो, अभी 600 रुपया किलो चल रहा है, सोचो कितना महंगा है। अब मार है लगल है उसके लिए, दुकान में जल्दी मिलता नहीं, क्यों, जिसको आज के समय में सबको हार्ड है, लंग्स के प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और सब उसको खरीद रहा है, वो कंट्रोल करता है, तो सबका लॉजिकल है। पूजा पाठ में आप लोग कहते हैं धू 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 शंखा बजता है, तो शंखा ए शंकर भगवान के खुश कर डाक कानता ही कर, मुँहे काना उड़ जाएगा, लपक लोड़ आदमी जानता सुनता नहीं, कहता है विष्णु भगवान मुँहे काना फाड़ देंगे मार से कंचा पड़ गया मैं लहरा दो, ये तो विष्णु भगवान के लिए संग, मतलब सब हम जिसको भगवान बोलते हैं हम लोग, वो नेचर है। अब मेरे लिए नेचर वो है जो हमारा जान बचाता है, शंख बजाने से हमको जानते हो, बोले हैं ना कि हम योग वाला कोर्स लिए हैं 5 हज़ार रुपये सालाना भरते हैं, हमको कहा गया कि आप डेली कम से कम 5 बार शंख फूकिए, 5 बार डेली नहीं फूकते, सच्चाई बताते, टाइमिंग मिलता है, कहता है भरदम सांस टानिए, पूरा फूकिए दम धुआ, जितना लंबा शंख फूक सकता है, जितना बड़ा से बड़ा फूक सकते हैं, सोचो काहे फूकवाता है, अरे हम खुद फूकते हैं, बीमारी के इलाज अमर हो रहा है, अस्थमा पेशेंट है, लंग्स सिकुड़ गया है, हम खुद 5 हज़ार रुपया देते हैं सालाना, और काहे बोलो काहे हमसे फूकवाता होगा, कारण सोचो, विष्णु भगवान की डेली हम पूजा करते हैं, अरे नहीं काहे बोलो, उससे लंग्स जो है ना फैलता है, जो लंग्स प्रॉब्लम है ना, जो सिकुड़ल है वो फैलता है, लंग्स के जो बीमारी है वो ठीक होता है। हम यहाँ ज्ञान नहीं दे रहे, चालू वो बंद भी नहीं कर, उसको बाद में उसको भी पता चले कि ये सब जो तुम लोग सोचते हो पूजा में शंख बज रहा है, उससे ही मजबूत होता है। शंख बजाने के हक सिर्फ हम ही को नहीं है, तुमको जिसको सबको आम आदमी के, वो सब इलाज है, ताली बजाने से इलाज होता है। आप लोग देखते हैं सिद्धा प्रसाद खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, माथा पर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, अरे आज के समय में लोग एवॉइड चीक स्किन क्या बोलते हैं, क्लिनिक प्लस टीवी में प्रचार देता है, मम्मी मैं तुमको कल से अंडा बुलाऊं, सुने अंडा बुलाऊं, क्यों, क्योंकि अंडा एक प्रोटीन का सोर्स है और क्लिनिक प्लस भी एक प्रोटीन का सोर्स है, तो मैं कल से तुमको मैं अंडा बुलाती हूं, ऐसा सुने हो कभी प्रचार, जा अजीब है वो प्रोटीन के सोर्स जो अंडा में है ना, उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको करता है दही। अगर आप दही माथा में लगाते हैं ना, तो आपका बाल नहीं टूटेगा, सफ़ेद नहीं होगा, रूसी नहीं होगा, ये सब चीज़ नहीं होगा, इसीलिए शीतल प्रसाद को हम लोग कहाँ करते हैं माथा में, वो जूठा उठा के बात नहीं, एक दिन हम लगा लिए खाने के बाद, जैसे शीतल प्रसाद खाएं और लगा लिए, तो हमारे कोई कलीग थे, कोई क्या तुम लोग जानते हो यहाँ पे पढ़ाते थे इंग्लिश, उनको बताएं प्रसाद को जूठा नहीं लगाना, प्रसाद को जूठा नहीं लगाना चाहिए, प्रसाद जूठा उठा हम थोड़ा समझ रहे हैं,
हम प्रसाद हम साइंटिफिक तरीके से सोच रहे हैं कि जो हम दही आज से तकरीबन 3-4 साल पहले सप्ताह में एक बार हम माथा में दही लगाते थे उससे होता ही यानी कि केस टूटता नहीं था। आज से 10 साल पहले केस हमारा पूरा भरल था, अब तो केस उड़ गया है, केस कम हो गया, तो दही लगाते सप्ताह में एक दिन दही फिर मेहंदी सब लगाना था हमारे, तो दही लगाने से केस टूटना हमारा बंद हो गया था, रूसी ख़त्म हो गया था, जितना शैम्पू से सिल के ना उससे ज़्यादा दही से होता। तो वही सब के वजह से प्रसाद में आप लोग देखते हैं क्या क्या रहता है, प्रसाद में क्या क्या रहता है, चाउमीन रहता है, पिज्ज़ा रहता है। हाँ आज के पूजा में यही होता है, आज के समय में सो कॉल्ड यूट्यूब पे नहीं बोलेंगे, एक बहुत चर्चित पूजा है जो सप्ताह में एक दिन लोग अपने घर में करते हैं, नहीं बोलेंगे यूट्यूब पे, हम नाम नहीं लेंगे, आज सप्ताह में लगभग लोग करते हैं, सप्ताह में एक दिन बैठते हैं और वहाँ यही सब चलता है, बिस्कुट, लेमन चूस, लॉलीपॉप, पिज्ज़ा, बर्गर, लगता है ऐसे पूजा नहीं, और जे भी है नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, ये तो बवाल हो जाएगा अगर नाम हम ले लिए तो, कोई देख लिया तो ऐसे बोल रहा है, जो भी है पिज्ज़ा बर्गर आज पार्टी चलता है, आज के समय में क्या चलता है पार्टी, जबकि रियली में जानते हो हम लोग के जो पूजा होता है, तुम लोग के घर में भी जब पूजा होता होगा वहाँ खीरा, पपीता, ककड़ी, अमरूद, सेब, अंगूर यही सब ले रहता है, और ये सब के सब प्रोटीन के सोर्स है, विटामिन के सोर्स है, मतलब पूरा के पूरा कार्बोहाइड्रेट से भरल, मतलब जितना चीज़ है ना वो सब आपके शरीर को कहीं ना कहीं तो फायदे करेगा। डॉक्टर अगर आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको सजेशन देगा कि आप भर भर पेट ठूसिए रोटी या भात, भर लादा ठूसिए रोटी है पहला ऑप्शन, आ एगो जो हमारा नियन डॉक्टर रहेगा उस सजेशन देगा कि रोटी भात ज़रा कम खाइए और ज़्यादा कल के फल फ्रूट हरी सब्जियों पर ध्यान दीजिए। बोलो विटामिन के सोर्स कहाँ, फल फ्रूट या हरी सब्जियाँ या फिर रोटी भात, ज़रूरी है, रोटी भात भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी क्या है, फल फूल हरी सब्जी, आप भी जानते हैं आज के समय में सब डॉक्टर यही सलाह देता है, जूस पियो, फल खाओ, ई खाओ। अरे तो जो पूजा वूजा में जो प्रसाद बनता है ना वो साइंटिफिक तरीके से काहे सोचते हो, ओकरा ये काहे जोड़ते हो कि पंडित जी बोले थे, पंडित जी नहीं बोले थे, इतिहास गवाह है, आज के साइंस गवाह है, ठीक है कि वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं फायदा देता है, पंडित जी के काहे दोष देते हैं आप, इतिहास गवाह है और आज के डॉक्टर भी गवाह है, आज के डॉक्टर भी गवाह है और कहता है कि सप्ताह में एक दिन आप फास्टिंग कीजिए, सप्ताह में एक दिन आप अपने शरीर को आराम दीजिए, उससे मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ेगा, तो वही मेटाबॉलिज्म के लिए आपको कहा जाता है कि सप्ताह में एक दिन कम से कम व्रत करो। व्रत हम लोग पूजा के लिए नहीं करते, अरे ढक्कन तय कर फिर बोलवा वहाँ का ना चूर दो मार के, अजीब है, व्रत के लिए पूजा पाठ करते हैं, राइट, वो अपने लिए करते हैं जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, एक दिन के लिए शरीर को आराम मिलता है, लीवर अच्छा होता है, किडनी अच्छा होता है, हार्ट अच्छा होता है, फंक्शन अच्छा करता है। जैसे तू ही अगर डेली पढ़ते रहो तो एक दिन कहते हो ना कि हमको आराम चाहिए, तो वैसे ही अंदर इसको भी तो आराम चाहिए खाने पीने के लिए, एक दिन आप हल्का भोजन कीजिए, जूस वूस फल उल, और जिस दिन देखते हो आपको सहने के लिए कहा जाता होगा उस दिन बोला जाता है कि आप क्या खाइए, फ्रूट वूट, फ्रूट खाने में मना नहीं है, लेकिन ज़्यादा भात रोटी ठूसल नहीं कहता है तहिया, जैसे अभी सोमवारी के पर्व चल रहा है, अभी सोमवारी उमारी तो नहीं लड़की लोग करती होगी, जैसे सोमवारी करें ना तहिया खाना पीना मना रहता होगा, अब तो नहीं लगता है कि हम शंकर जी के खुश करल करें, और शंकर जी को अगर खुश कर देंगे तो हमारा मिल जाएंगे 4 साल बाद, अभी बाल बोत रहे अभी नहीं 10 साल बाद, तो ऐसा बात नहीं है, आप 4 सोमवार 5 सोमवार अगर सोमवारी करते हैं तो देखेंगे ना कि आपके शरीर में अलग तरह की एनर्जी आएगा, आपका मन अच्छा होगा तो दिमाग अच्छा चलेगा तो आपको हर तरफ पॉजिटिविटी नज़र आएगा, मतलब नेगेटिविटी नज़र नहीं आएगा, हर गलत चीज़ में भी ना आप अच्छाई ढूंढोगे, मतलब सही से पढ़ोगे, सही से लिखोगे, हर चीज़ तुमको समझ में आएगा, जो चीज़ चाहोगे हो सकता है हासिल कर लो, काम अच्छा से करोगे, तुमको लगता है शंकर भगवान की वजह से, हाँ हो गया, शंकर भगवान की वजह से हम उनको मानते हैं, लेकिन उनके वजह से आपका शरीर पे गलत असर पड़ा या अच्छा असर पड़ा, अच्छा पड़ता है, आपका शरीर ठीक हो जाता है, बॉडी ठीक हो जाता है। आज के समय में जैसे हम ही लोग क्या हद से ज़्यादा मोटाल है एकदम, इतना भी नहीं होना चाहिए और कम होना चाहिए, हम तो और भी कम, हमको और कम होना चाहिए, अभी हमारा कम करना तकरीबन 10 केजी, हम 10 केजी ओवरवेट हैं, हम 10 केजी ओवरवेट हैं, सोचो हम बोल रहे हैं 10 केजी ओवरवेट है, हमसे ज़्यादा दुनिया में है, हम बोल रहे हैं 10 केजी ओवरवेट है, जो कि नॉर्मली नहीं है, दुनिया के सामने हम नहीं हैं, अगर हम बाहरी दुनिया देखें तो कहेंगे नॉर्मल है, हम सबके सामने नॉर्मल है, फिर भी 10 केजी ओवरवेट है, उसको कम करना है, बैठो तो वो सब ओवरवेट कंट्रोल कैसे होगा, फास्टिंग करने से, सहने से। फिलहाल यहाँ पे ये सब ज्ञान नहीं देना चाह रहे थे, आधा घंटा बोल दिए, हम समझाना ही चाह रहे हैं ना
कि पढ़ाई में भी वैसी होता है। आपका दिमाग अच्छा तब नहीं चलेगा जब पूरा पूरा बॉडी सही से फंक्शन करेगा। और जैसे ही आप पानी डालते हैं ना, पानी डालने से आपके शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल, और जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होगा आपका तबीयत ठीक रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा, यहाँ से एंजाइम सही निकलेगा, एंजाइम सही लिखेगा, सही से पढ़ोगे, सही से लिखोगे। इसलिए कहा जाता है नहा के आओ कम से कम गर्मी में। तो देख लें टेम्परेचर अगर किसी का, मान लो इसमें से किसी का 100 फारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए और कहें पढ़, 102 फारेनहाइट हो गए पढ़, वो बैठल बैठल घुलट जाएगा, पढ़ जा पढ़ना तो दूल पढ़ मारो, फिर बैठा के फिर घुलट जाएगा। हो सकता है कि 103 फारेनहाइट होते होते वो रोबे लगे, गरजे लगे, हम नहीं पढ़े, हम मार रहे हैं, हमारा बुखार लग गया। अरे वही तो है, उस टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए पहले ज़माना में क्या पानी भिगा के गमछी रखल जाता जिसमें टेम्परेचर, तो आपका टेम्परेचर एकदम नॉर्मल रहे। और नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, पानी, पानी जिस टेम्परेचर पे रहता है वही आपका नॉर्मल टेम्परेचर ला सकता है। आपका टेम्परेचर गर्मी के दिन में नहाने के लिए बोलते हैं, जाड़ा के दिन में क्या कहते हैं, नहाने के लिए हम नहीं बोलते हैं, जाड़ा के दिन में कहते हैं कि नहाओ लेकिन धूप में, या तो पानी को गर्म करके। अब जाड़ा के दिन में पता चले कि नदिया में डेली नहा रहा है तो हो सकता है वो ठंडा मार देगा, क्योंकि आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। बस यही खाली बोलना होता है, बॉडी का टेम्परेचर जिस दिन लो हो गया उस दिन आदमी, बॉडी का टेम्परेचर जिस दिन हाई हो गया उस दिन भी आदमी, दोनों में हाई में भी बाय में भी, दोनों में चल जाता है, बचेगा कब आदमी बोलो। और वही नॉर्मल टेम्परेचर के लिए हम तुम लोग को कहते हैं कि गर्मी के दिन में कम से कम आते हो तो नहा धो के आओ, नहा धो के आओगे टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, शरीर से अंदर से एंजाइम सही तरीके से निकलेगा, यहाँ से जो है ना ट्रिगर सही तरीके से ट्रिगर होगा, दिमाग सही से काम करेगा, तुमको हर चीज़ समझ में आएगा। और कोई ज्ञान व्यान नहीं देना है, ठीक है? जाते थोड़ा लगता होगा कि हम दुनियादारी के ज्ञान तोरा दे रहे हैं, यही चलते कहते हैं सुबह सुबह जरा नहा धो पड़ी, और कोई कारण नहीं, ठीक है? हम किसी भी धर्म को या कर्म को नहीं मान रहे हैं, ठीक है? जो मेरे लिए अच्छा है उसको मान रहे हैं। लिखो अगला, लिखो। अच्छा कैमा था, अरे दो आज ज़्यादा ज्ञान दे दिए जरी, एगो लिख लो 18 लिख लो, एगो के का मान ज्ञात करें, एगो लिख लो के का मान ज्ञात करें, काय लिखवा रहे, क्योंकि यही चीज़ बात दसवां में भी आता है तो लिखा दे रहे हैं भाई, के का मान ज्ञात करें जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से, के का मान ज्ञात करें जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है, x माइनस वन पी एक्स का गुणनखंड है। जैसे पहले नंबर में पी एक्स बराबर 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। दूसरा नंबर में पी एक्स बराबर हो गया, दोनों लिख दिए हैं, दोनों ए को बता देंगे, दूसरा तुम ही लोग से बन जाएगा। देखो किससे भागा देना है, एक्स माइनस वन से, जिससे भागा देना है ना उसी को मान लो जीरो। अब तो खुद कहो कि एक्स बराबर कितना, यानी जहाँ जहाँ एक्स दिखाई देगा वहाँ वहाँ कितना बैठाना है, शुरू कर दो p1 2 × x² + k × 1 + √2 बराबर। अरे अभी एक्स जीरो का है लिख दिए, वो खुद बोल रहे हैं, वो खुद कह रहा है कि x माइनस वन गुणनखंड है, मतलब अभी अगर वन रखेंगे तो जीरो आएगा, ये हो गया 2 × 2 + k + √2 बराबर जीरो, तो k बराबर बोलो −√2 -2 आंसर हो गया, वैसे ही वाला बन जाएगा। हाँ तो अपने से बना लेना आज यहीं तक, कहाँ से बताए थे आज 15, 16, 17 और 18, अब लगभग खत्म कगार पे। अब इतना बतवे के बाद तो उन्हें अगर नहीं समझ में आया तो अर्चना देख लो, ओके ले बाबू, अर्चना देख लो।